एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित नेकपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने सुनील कुमार को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 411 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 150 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 नल रिबोर तथा 5 नलों की रिपेयरिंग कराई गई है। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 6 ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 38 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, बारात घर, पानी निकासी के लिए नाला, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान नेकपुर, मैंने जितनी भी धनराशि गाँव नेकपुर माई उसका मैंने सही प्रयोग किया, सही रास्ते बनवाए, नालियाँ बनवाई, सारा प्रयोग मैंने उनका किया, सीसी रोड बनवाए और जो भी मेरी क्षमता के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार वो भी कम है। मैं जनता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहता हूँ। थोड़े से समय के लिए बनाऊँ, कल को जनता मेरी याद करे, कोई मैं गलत काम ना कर पाऊँ, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सा प्रयोग, थोड़ा सा धन मेरे गांव के लिए और भिजवाए, जिससे मैं अपने गांव का विकास कर सकूं। और मेरे गांव में अभी तक आवास की बहुत कमी है, आवास 15-20 साल से आवास नहीं आए, या गरीब बहुत छत नहीं है। मैं उनके लिए आवास, लगभग मेरा अंदाजा आवासों का है, 140 या 150 का आवास मिल जाए तो मेरे गांव की जनता सिर ढकने के लिए उन्हें जगह मिल जाए। और एक छोटा सा गांव मेरा कस्बा पड़ता है मिलक, मिलक में पानी निकासी नहीं है कतई, उसकी पानी निकासी का नाला निर्माण हो, एक तालाब का निर्माण हो, मैं चाहता हूँ। और इसकी मुझे आदेश मिला कि मुझे धनराशि मिला, मैं उस गाँव में के लिए काम कर सकूँ। मेरे गांव में सफाई का विशेष ध्यान रखता हूँ मैं। अभी मैं पूरे गांव में जो कीटनाशक मच्छर हैं उनके लिए दवाई का प्रयोग कर रहा हूँ और एक भी गांव में गंदगी ना फैले। मेरा नाम भरत सिंह है, मैं पूर्व डीलर भी रहा हूँ और हमारे प्रधान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास बहुत बढ़िया है, सड़क का काम भी कर रहे हैं और लैंडर बाथरूम भी सब बढ़िया बनवा रहे हैं, शौचालय बहुत शांत बना है, आगे भी बहुत बढ़िया काम करने को तैयार हैं। हमारे प्रधान जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिक का सुनना है हर टाइम से, क्या काम है, आधी रात पब्लिक का सहयोग भी देते हैं और सब काम कर रहे हैं। मैं तेजवंदी लाल, ग्राम नेकपुर का स्थायी निवासी हूँ और हमारे गाँव में पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ और हमारे गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे गांव को ODF करने के लिए है या मतलब गांव की सफाई के लिए है या फॉगिंग मशीन करने के लिए है, वो काम में हमारे ग्राम प्रधान जी कर रहे हैं बड़ी लगन से। और गांव में बिल्कुल नाली, खड़ंजे, सफाई बिल्कुल दुरुस्त है और जो मतलब जो नालियाँ रह गई हैं उन नालियों का निर्माण हो रहा है और ग्राम प्रधान अपनी सूझबूझ से हर काम को ठीक करके मतलब जो अंजाम देते भेजिए, जो जिन पर मतलब आवास नहीं है, जिन पर छत नहीं है, उनके लिए एक हर कोशिश में लग रहे हैं कि अधिक से अधिक जो गरीब लोग हैं उनके मकानों पर अपना खुद छत हो जाए। तो ये हमारा ग्राम प्रधान जी का एजेंडा है कि मतलब गांव की सफाई और सबके मामला बिल्कुल ठीक हो जाए।